Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you voice. Alright? In the previous video I completed voice up to assertive sentence and some half of the interrogative sentence was completed. Alright? Means I completed the first part of interrogative sentence, that is beginning with helping verb. Alright? Today in this video I will complete beginning with WH. यानी इंटरव्यू सेंटेंस का सेकंड टाइप होता है बिगनिंग में डब्ल्यूएच वर्ड उसको किस तरीके से बनाया है तो देखिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूएच वर्ड ऑलराइट देन आपकी ऑक्सिलरी वर्ड ठीक है Then क्या आएगी सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस ठीक है ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है समझ लेना ठीक देन आपका क्या आएगा वी थ्री देन वाई देन एन देन क्वेश्चन मार्क ये है आपका समझ आ गए तो इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के पार्ट टू को पैसिव में कन्वर्ट करना है ठीक है कैसे करेंगे अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाई देता हूं ठीक है जैसे आपका एग्जांपल है क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्ले बैडमिंटन ठीक है ये है तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है डब्ल्यूएच वर्ड आपका वैन हो गया आपका टाइम सिंपल प्रेजेंट है तो ऑक्सिलरी क्या आएगी वैन इज अब आपका जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है बैडमिंटन है ठीक है वैन इज बैडमिंटन अब क्या आया आपकी वी थ्री आ गई ठीक है व्हाट इज बैडमिंटन प्लेड अब मुझे क्या लगाना है बाई लगानी है बाई अब मुझे क्या लगाना है एजेंट लगाना है तो क्या है यू ठीक है बाई यू और ये ठीक इन चीजों को आपको व्हाट डू यू वॉच मूवी वाई डू यू वॉच मूवी एवरी डे ठीक है ये इसको कैसे करेंगे वाई इज मूवी वॉच्ड by you every day इस तरीके से आपको आपका डब्ल्यू वर्ड आ गया आपकी ऑक्सिलरी आ गई ठीक है आपका क्या आ गया वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट आ गया ठीक है by आ गए ठीक है एजेंट आ गया और डब्ल्यू आ गया अदर वर्ड्स वगैरह आपके आ गए ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है थोड़ा सा कट गया है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको यहां पर समझाएगा आपको वाई इज मूवी वॉच बाय यू एवरी डे ठीक है इस तरीके से बन जाएगा All right? तो देखिए
completed he played cricket. ठीक है देखिए when was cricket played by him. ठीक है when was cricket played by him. और देखिए why do you teach him? Teach मतलब चढ़ाना है इसको. तो देखिए why is he teached by you. ठीक है और देखिए why he teach by you. ये हो गया ठीक. When did Mohan sing a song? तो देखिए आपका सेंटेंस कौन सा है देख लो टेंस कौन सा है. तो when was a song sung by मोहन आ जाएगा. ठीक है इस तरीके से आप जो है क्या नाम है इंटरव्यू टाइप टू के सेंटेंस को इजीली चेंज कर सकते हैं पैसे वॉइस में. ऑलराइट अब देखिए now we have to see question beginning with who. ठीक है question beginning with who. ठीक है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है बट आज इतने सिंपल में समझा दूंगा कि आप कभी भी ये नहीं भूलोगे. और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दैट मोस्टली 90% स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस बिगिनिंग विद हु इनटू वैसे. ठीक है देखिए आप खुद ही देख लीजिए सबसे पहले हु टीचेज यू इंग्लिश. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ यार. ठीक है तो यहाँ पर हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट किसकी तरह काम कर रहा है हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट. ठीक है जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगाना होगा उसके पहले बाई लगाना होगा. क्या लगाना होगा बाई लगाना होगा. ठीक है बहुत सारे लोग ये कहते हैं हु को बाई हु में कन्वर्ट कर देता है. क्यों करते हैं वो बाई हु में कन्वर्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट एंड वेन एवर हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट वी यूज बाई बिफोर दैट. हम उससे पहले क्या यूज कर देते हैं बाई यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए By, और मैंने ये बताया था कि हु का ऑब्जेक्टिव किस का हो जाता है whom हो जाता है. ठीक है तो by whom अब आपका टेंस कौन सा है सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है तो by whom क्या हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट है आपके पास दोनों में से कोई चले बताओ कौन सा ले लो दोनों से लो ले दो by whom are you थर्ड फॉर्म आ जाएगी taught what English question mark. ठीक है
अब मैं इसी को क्या कर दूं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के बना दूं। देखिए बाई हूं, अब इंग्लिश चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं वर्ब यहां पर दूसरी लूंगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लूंगा। बाई हूं इज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए अगला है आपका हु बीट यू। ठीक है, यहां ये यहां बीट बीट दोनों की सेट, दोनों फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही एक जैसी होती है। तो यहां देख लीजिए बाई हूम वर यू, बाई हूम वर यू बीटन। अच्छा, दोनों सेंटेंस का आपकी तरह से करके दिखा दूं मैं, आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप पता कैसे करेंगे, आप करेंगे मैं ऊपर कर देता हूं बाई हूम यू आर टॉट इंग्लिश, ये आप करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, आपका सेंटेंस जो सही है वो ये है और ये सही है। ठीक है, ये तो मेरे एक्टिव का है ही, सॉरी ये सेंटेंस है, ये तो एक्टिव का आई, इसका तो मतलब ही नहीं है, और ये सही है। ठीक है, ये दोनों का एक्टिव है। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब लानी है, ना कि ऑब्जेक्ट। और ऊपर वाले क्या आ गए थे, ऑब्जेक्ट आ गए, इसलिए सेंटेंस आपका कैसे हो गया, गलत हो गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलराइट, और देखो दो तीन चार एग्जाम्पल, क्योंकि इन एग्जाम्पल में एक बार आप परफेक्ट हो गए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, Who can bear this stick? देखिए Who can break this stick? तो देखिए by whom, आपकी तरह सुना दो एक बार, by whom this stick can be broken, ये आप बनाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। आपको क्या करना है, देखिए आपको इस कैन को उठा करके यहां से यहां पर लाना है। ठीक है, तब जाकर के आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो आपको बस यही एहतियात बरतनी है। ठीक है, By whom can this stick be broken? ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी आपकी मॉडल वर्ब आ जाती है तो मॉडल वर्ब के साथ में हम सिंपली क्या ऐड कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं आफ्टर द ऑब्जेक्ट, एंड आपका सेंटेंस जो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और देखिए हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी, तो देखिए हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी, बनाइए बना, मैं जब तक इसको ठीक कर लूं। देखिए बाई हूम विल, इसका क्या हो जाएगा आपका, सी बाई हूम विल सी बी हेल्प इन डिफिकल्टी। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक सेंटेंस, हु ब्रोक दिस
ब्यूटीफुल फ्लावर। क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देखिए बाई मून, अब देखिए टेंस देखना है आपको, बाई मून वॉज दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ब्रोकन, क्या हो जाएगा ब्रोकन, ठीक है, यानी रूप का बाय कर दिया, वर्ब लगा दी, ठीक है, ये आपका नया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ब्रोकन ये आपकी क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्या नाम है, ऐसे सेंटेंसेस जो किससे बिगिन हो रहे हो, हु से बिगिन हो रहे हो, उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का हम इसको जस्ट उलट देते हैं, क्या करते हैं, उलट दे, यानी कि मैं वाई मैं हु का हुम कर रहा था, अब हुम का हु करेंगे, ठीक है, ठीक है, किससे हूं से बिगिन होने वाले क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है, थोड़ा हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको, whom have you given the keys, ठीक है, सेंटेंस को आराम से बड़े ही ठंडे दिमाग से देखिए, ठीक है, देखिए देखिए हूं का क्या करता, सबसे पहले हु क्या कर दू, हु कर दू, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या कर दू, हु है, मैंने आपको बताया था जब आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हम क्या लगा देते हैं, हैव के बाद में बीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, ठीक है। हु हैज क्या द की, Who has the keys? अब क्या लगाऊ, been, अब क्या लगाऊ, which is, क्या लगाऊ, which is, यानी who has the key been given by you, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देख लीजिए, who have you, whom have you invited, whom have you invited, तो देखिए who been, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, who has been, यही तो हम काम कर रहा है, who has been invited by you,
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और देखिए हूं है ही अब्यूज क्वेश्चन मार्क, तो देखिए हु हैज बीन अब्यूज, हु हैज बीन अब्यूज बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका हुम का केस हो गया। ऑलराइट, तो जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है आपके हु और हुम, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो सब इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी में। ऑलराइट, तो कहीं भी घबराने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पैसिव विदाउट एजेंट, यानी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। ये देखो सेंटेंस बिल्कुल देख लीजिए, हुम हैव यू गिवन द कीज, तो देखिए हुम हैज द कीज, अच्छा ये प्लूरल है ना, तो हैव कर दीजिए, क्या करना है प्लूरल है, तो इसको हुम हैव द कीज बीन गिवन बाय यू। ठीक है, फिर ये इस तरीके से होता है। ठीक है, वो गलती से हैव लग गया था, हैव आएगा क्योंकि कीज कैसी है, प्लूरल है, एक से ज्यादा की है। देखिए पैसे मिलाओ ये, ठीक है, बिना एजेंट के पैसे। ठीक है, अब बिना एजेंट के पैसे कैसे, तो बिना एजेंट के पैसे वैसे होता है कि जहां एजेंट को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यानी पीपल जो क्या करते हैं, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे, इस एजेंट को हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, देखिए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश को ले लीजिए, इंग्लिश टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, एज स्पोकन और ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, और देख लीजिए वी एग्जीक्यूट ईएक्सयूवी ऑल इंस्ट्रक्शंस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कौन करता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले, यानी देख लीजिए कोविड 19 फैल रहा है लेकिन फिर भी आपकी टीचिंग जो कंटिन्यू चल रही है, तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को जैसे गवर्नमेंट से या जैसे मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको बिना डिले किए हुए क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक कर लो, ई एक्स ई सी यू टी, इसे एग्जीक्यूट कहते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उनको करना, ठीक है, प्रोसीड करना। ठीक है, तो देखिए ऑल इंस्ट्रक्शंस, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, EXECUTED, और इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड विदाउट, यहां भी अपनी सी मिस्टेक है, तो कोई नहीं है, और विदाउट डिले।
ठीक है। मैटर इस बात का नहीं है कि कौन एग्जीक्यूट करता है, मैटर ये कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन को बिना डिले किए हुए एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। देखिए और देखिए, रॉबर्ट लूटेड द शॉप, सिंपल कर दो द शॉप वॉज लूटेड। तो अब ये देखो, आप चाहो तो जगा नहीं सकते हैं, बट अगर आपके लिए कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन आया, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वहां पर आपका एजेंट नहीं लगा हुआ है, तो आप उसे गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस तरह के जो आपके कैनम एजेंट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना, तो आगे बढ़े हम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मॉडल वर्ब की। इसकी मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल्स, ठीक है। मैंने आपको मॉडल्स समझाए दिए थे प्रीवियस वीडियो में कि मॉडल्स कितनी होती हैं, कौन कौन से होते हैं, 13 मॉडल्स, ठीक है। कितनी होती हैं, 13 होती हैं, और 13 की 13 मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई थी। तो देखिए, सीता कुड हेल्प मी, ठीक है। सिंपल है, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, ठीक है। कुड के बाद बीच में क्या फंसा दो, बी फंसा दो, क्या फंसा दो, बी, ठीक है। और यहां पर वी थ्री क्या हो जाएगी, वी थ्री, ठीक है। तो देखिए, आई कुड बी हेल्प बाई लगाओ सीता, ठीक है। चाहो तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, देखिए सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। और यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, मॉडल आ जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगी, बी थ्री आ जाएगी। यहां पर वाई, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, शी कैन गिव मी अ पेन, दो ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। दोनों से किसी को उठा लो, इसको उठा लो, तो देखो आई कैन बी गिवन अ पेन, ठीक है। एक तो ये हो गया, आई कैन बी गिवन अ पेन। दूसरा देखिए, अ पेन कैन बी गिवन टू मी, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और देख लीजिए एक एग्जांपल, आई मेड परचेज अ कार, तो देखिए अ कार मे बी परचेज बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। और देखो, आई विल गिव हिम अ पेन, ठीक है। ये वैसे हो चुका है, लेते हैं, आई विल गिव हिम
give you a buy. मैं आपको क्या देना? Buy कौन सा? Mobile iPhone. I give you a an iPhone. क्या दूंगा मैं आपको? iPhone. अब तो खुश हो रहे होंगे ना? मतलब बड़ी अच्छी बात है. वाह! इस लॉकडाउन में iPhone मिलेगा. मजा आ जाएगा हमारा. देख लीजिए. दो ऑब्जेक्ट है. कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है. कौन सा लेना चाहोगे? यू वाला है आईफोन वाला? आप तो आईफोन की कहोगे. देखो यू लाइक आईफोन को देखिए एंड आईफोन विल बी गिवन टू यू बाय मी. ठीक है. दूसरे वाला ऑब्जेक्ट से भी देख लीजिए. यू विल बी गिवन गिवन व्हाट एंड आई फोन. ठीक है. आपको क्या दिया जाएगा? आईफोन दिया जाएगा. ठीक है. तो ये आपके मॉडल वाले भी हो गए. ऑल राइट. अब हम बात करेंगे किसकी? इंपेरेटिव सेंटेंस. किसी बात करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक. इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को मैं जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर लूंगा. ठीक है. तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्या करना है. वो पहला ले लेते हैं हम टाइप वन विद ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है. इसका सिंपल सा रूल ये आ सकते हैं ना एल ओ बी और इसके बाद में थर्ड. ये याद करना है एल ओ बी थर्ड यानी लॉग थर्ड. ठीक है. अब इसको मैं पूरा खोल के समझा दूं क्या कह रहे हो. किसने एरिया बाजी करता खेल कर रहे हैं एल ओ बी थर्ड. ये तो हमने सुना ही नहीं. तो सुन लीजिए. देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए शट द डोर कैसे बनाएंगे उसको. सिंपल है. उतार देना बस आपको ऊपर वाले कॉपी करना है. देखिए लेट का लेट ऑब्जेक्ट क्या है डोर है. ठीक है. ये क्या है बी. अब क्या थर्ड फॉर्म क्या है सबकी सब ही रहती है लेट द डोर बी से ये हो गया. Do it. छोटा सा सेंटेंस है लेकिन लोगों को पसीने निकाल देता है. लेकिन अगर आता है तो 30 सेकंड लगती है. देखिए लेट इट बी डन. ठीक है. लेट हो गई ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये वाला बी हो गया और उनकी थर्ड फॉर्म हो गई. ठीक है. और देखिए सिंगल सॉन्ग तो क्या करेंगे लेट अ सॉन्ग बी सॉन्ग. ठीक है. इस तरीके से बन जाएंगे. तो ध्यान रखना है आपके लिए क्या होना चाहिए. आपके पास में ऑब्जेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए अब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या नहीं होता
ऑब्जेक्ट नहीं होता तब क्या करेंगे आप? अब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर आपको सेंस निकालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, टाइप टू विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? कमांड एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए अब कमांड लेआउट आ जाए तो यू आर कमांडेड, क्या जाएगा? यू आर कमांडेड, ठीक है, और यू आर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी हो सकता, ठीक है, कमांड या ऑर्डर में से कोई एक चीज हो। तो देखिए वो देख लेना क्या है, देखिए ब्रिंग कप ऑफ टी, यहां तो है क्या है, इसको आपके लिए चेंज कर देता हूं, फिर कहेंगे फिर इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम देखते हैं ये बात, कम हियर, अब इसमें ऑर्डर भी सकता फोन क्या लगा दो, रिक्वेस्ट, ठीक है, और क्या लगा दो, एडवाइस, ठीक है। तो क्या हो गई सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस, ठीक है, वार्निंग भी हो सकता है। तो देखो कम हियर, तो अब क्या अगर मैं ये कह दूं कम हियर प्लीज, तो प्लीज जैसे वर्ड्स कम रहते हैं हट जाते हैं, तो क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ऐसे हो गो देयर, तब यानी कि जो है कुछ नहीं है तो यू, ये ऑर्डर भी हो सकता है एडवाइस भी हो सकती है, बट हमें तो स्पीकर का मूड देखना है, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर लगा दो। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आप क्या क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर, यू आर कमांडेड, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइस, ठीक है। मैं सब कुछ पढ़ने के समझाता हूँ आपको, और वो आप देख लेना कि आपका सेंस कौन सा निकल रहा है, ठीक है। यू आर ऑर्डर कमांडेड रिक्वेस्टेड एडवाइस, इस तरीके से आप यू आर लगा करके और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए वर्ब की, ठीक है, तो आपका वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, यानी जो ऊपर वाले सेंटेंस थे ना लेट वाले, तो उनको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। सपोज करो कि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, और यहां पर क्या है, ये है सेंटेंस, यहां पर मोरालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या चीज, मोरालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मोरालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या करेंगे कि हेल्प द पुअर, ये है सेंटेंस, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, लेट द पुअर बी हेल्प, ठीक है, लेकिन हमें जब कहा गया मोरालिटी है, यहां पर ये कोई बाध्यता नहीं है, मोरालिटी है, ठीक है। तो मोरालिटी है तो क्या करेंगे, देखिए वही तरीका रहेगा, द पुअर शुड बी, क्या लग जाएगा नया, शुड बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शुड लगा करके भी
क्या नाम है एक इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं यानी शॉर्ट लगा दो उसके बाद में बी लगा दो बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ठीक है इस तरीके से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे ठीक है अब देखिए अब देखते हैं हम अगला पैसिव ऑफ इंफिनिटिव ठीक है क्या देखेंगे पैसिव ऑफ इंफिनिटिव खैर आज के लिए इतना ही काफी है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है सो इट्स इनफ फॉर द डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय